If I is the incenter of a triangle ABC, then the ratio IA, IB, IC is equal to. Let's see, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज अवर ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, हमें एक इन सर्कल भी ड्रॉ करना पड़ेगा. तो एक इन सर्कल भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सी इन सर्कल कैसा होगा. इन सर्कल ऐसे हम ऐसे हैंड से ड्रॉ कर देते हैं. तो क्या होगा, तीनों साइड्स को टच करेगा ऐसे, इस तरीके से होगा. तीनों साइड्स को ऐसे टच करेगा, है ना. नाउ अब ये इसका सेंटर है आई, ठीक है. अब हमें पता है जो इन सेंटर होता है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना. तो अगर मैं इसे ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ तीनों को, ठीक है, इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है. तो लेट से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी. अब मुझे पता है जहां भी ये टच कर रही है दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होंगी, तीनों पॉइंट की आर के इक्वल होगी. तो दिस इज आर एंड दिस इज आर, रेडियस हो गई तीनों पॉइंट्स हो गए रेडियस के इक्वल. नाउ अब ये एंगल क्या है, बी बाय टू, तो वैल्यू हो गई एंगल बी बाय टू. अब अगर हमें बताने के आई बी की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे साइन बी बाय टू की वैल्यू देखूंगा तो साइन बी बाय टू क्या जाएगा, साइन बी बाय टू इज इक्वल टू वॉट, आर अपॉन आई बी. यहाँ से आई बी की वैल्यू क्या जाएगी, आर कॉसेक बी बाय टू. तो आई बी इज इक्वल टू आर कॉसेक बी बाय टू, ये सिंपली आई बी की वैल्यू हो गई. तो अगर हम आई ए रेशियो आई बी रेशियो आई सी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ए में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बाय टू हो जाएगा, बी में कॉसेक बी बाय टू है, और सी में क्या जाएगा, कॉसेक सी बाय टू. तो आई ए रेशियो आई बी रेशियो आई सी इज इक्वल टू वॉट, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और टर्म क्या जाएगी, कॉसेक ए बाय टू रेशियो कॉसेक बी बाय टू रेशियो कॉसेक सी बाय टू. तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे रेशियोज हो जाएंगे. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू कॉसेक ए बाय टू कॉसेक बी बाय टू एंड कॉसेक सी बाय टू. आंसर इज ऑप्शन ए.